सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज बहुत टाइम के बाद आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ नींबू के पेड़ के ऊपर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने पुराने नींबू के प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल पा सकते हैं, पर उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी होगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लोगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इस वीडियो में आपको फर्टिलाइज़र से लेकर इसके क्लाइमेट तक, इसको कहाँ रखना है, इसको कैसा इन्वायरमेंट पसंद है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरी कंटिन्यूसली एंड तक वॉच करते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और आगे भी देखने को मिलती रहें। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपने नींबू के प्लांट को ज़मीन में लगा रखा है तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर आप अपने नींबू के प्लांट को बाल्टी या फिर किसी बड़े गमले में आपने लगा रखा है अपने प्लांट को, तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यानी कि आपको उसकी जड़ें काटनी पड़ेंगी अपने प्लांट की, क्योंकि नींबू का पेड़ एक ऐसा प्लांट है जो अपनी रूट्स बहुत ही जल्दी बढ़ाता है और बहुत जल्दी ही इसकी जो रूट्स हैं वो गमले में बाउंड होने लगती हैं, यानी कि उसका रूट बाउल बन जाता है। तो आपको वो रूट्स काटनी पड़ती हैं, नहीं तो आपके प्लांट पर ज़्यादा फल नहीं आते और ज़्यादा फूल भी नहीं आते। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सर, अगर हम अपने प्लांट्स की रूट को काट देंगे तो क्या हमारा प्लांट डैमेज तो नहीं होगा? तो आपका प्लांट डैमेज हो सकता है, पर अगर आप रूट्स को गलत तरीके से काटेंगे तो। आज जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, उस तरीके से अगर आप रूट्स को काटेंगे तो आपकी जो प्लांट है वो कभी भी डैमेज नहीं होगा। तो ये देखिए, वैसे तो आपको ऊपर से भी गुड़ाई करते रहना चाहिए अपने प्लांट की। उससे क्या होता है कि रूट्स जो हैं वो थोड़ी सी कटती रहती हैं और न्यू रूट्स बनती रहती हैं। जब हमारे प्लांट्स में न्यू रूट्स बनेंगी तभी हमारा जो प्लांट है वो ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा और ज़्यादा फ्रूटिंग पर आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रूट को काटते रहना अपने नींबू के प्लांट की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर थोड़ी सी अपने गमले की या फिर बाल्टी की, जिस भी चीज़ में आपने अपना प्लांट को लगा रखा है, उसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है। और गुड़ाई करने के बाद पूरा का पूरा रूट बाउल यानी कि पूरा पूरा पेड़ मिट्टी के समीप ही गमले से बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद आपको रूट्स को काटना है, और रूट्स को काटने के साथ साथ आपको प्लांट की प्रूनिंग भी करनी है, यानी कि आपको प्लांट की पत्तियों को भी काटना है, क्योंकि ये प्लांट अपनी पत्तियों को भी काफ़ी जल्दी बढ़ाता है। और कुछ लोग क्या काम करते हैं कि अपने प्लांट की कभी भी प्रूनिंग नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि जो ब्रांच हमारी एक सीज़न में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग कर देती है उस पर नेक्स्ट सीज़न में बहुत ही कम फ्लावर और फ्रूट्स आते हैं। यानी कि अगर एक ब्रांच पे आपका इस सीज़न में फ्लावर आ चुका है और वो बहुत अच्छी उसने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की इस सीज़न में, तो नेक्स्ट सीज़न में उस पर बहुत कम फ्लावर आएंगे। और प्रूनिंग करने का भी एक तरीका होता है, यानी या तो आप प्रूनिंग किसी कैंची की मदद से करिए या फिर किसी ऐसे टूल की मदद से करिए। इसको बोलते हैं प्रूनर, ट्री प्रूनर नाम से आप किसी भी हार्डवेयर की शॉप से इसको ले सकते हैं, क्योंकि बहुत क्वेरीज आती हैं कि सर इस टूल का क्या नाम है, हमको नहीं मिल पा रहा, तो इसको बोलते हैं ट्री या फिर प्लांट प्रूनर। तो आप बड़ी आसानी से ही इसको किसी भी हार्डवेयर शॉप से आपको मिल जाएगा 100 से 150 रुपीज़ में, मतलब जो अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब कर लेता हूँ मैं अपने प्लांट की कटिंग, और आपको भी कुछ इस तरह ही अपने प्लांट की कटिंग करनी है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो अब बारी आती है हमारी रूट प्रूनिंग की, यानी कि जड़ों को काटना।
तो मैंने अपने प्लांट को पूरी मिट्टी के सहित ही गमले से बाहर निकाल लिया है। तो आपको भी कुछ इसी तरह से अपने प्लांट को पूरी मिट्टी के साथ यानी कि पूरे रूट बाउल के साथ बाहर निकाल लेना है। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी सारी रूट्स मेरे प्लांट की थी, तो इनको काटना ज़रूरी होता है क्योंकि जब ये रूट्स हम काटेंगे उसके बाद ही न्यू रूट्स आएंगी। और अब बात करते हैं कि हमारा प्लांट मरता कैसे है। तो कुछ लोग क्या काम करते हैं कि मिट्टी को निकाल देते हैं, यानी कि जब वो अपना प्लांट को गमले से बाहर निकालते हैं तो क्या काम करते हैं कि जड़ों में से सारी मिट्टी पहले निकालते हैं और उसके बाद रूट्स को काटते हैं। तो वो बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप वो करेंगे तो आपका प्लांट डेफिनेटली मर जाएगा। सही तरीका ये है कि जितनी रूट्स आपको काटनी है आप काट दीजिए और जितनी रूट्स आपको रहने देनी है उसके साथ मिट्टी भी रहने दीजिए। अगर आप इसकी जो सारी रूट्स है उनको मतलब अलग कर लोगे और मिट्टी अलग कर लोगे तो आपका प्लांट डेफिनेटली मर जाएगा। और आपको रूट्स केवल और केवल नीचे से काटनी है, जो प्लांट का जो बेस का एरिया होता है यानी कि जो उसके आसपास की रूट्स हैं वो आपको नहीं काटनी। तो कुछ इस तरह से आपको रूट्स काटनी है। कुछ लोग इसके पास की रूट्स भी काट देते हैं, यानी कि जो मेन रूट होती है जिसको हम टैप रूट बोलते हैं, जिसमें से और रूट्स निकलती हैं, कुछ लोग उसको भी काट देते हैं, तो आपका प्लांट डेफिनेटली मर जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे जो नीचे की जो मुलायम और पतली पतली रूट्स होते हैं अगर आप इनको काटोगे तो आपका प्लांट कभी भी नहीं मर सकता। तो इसी तरीके से आपको रूट्स काटनी है। और अब ये देखिए, अब मैंने अपनी मिट्टी अलग कर ली है और रूट्स अलग कर ली हैं, यानी कि ये रूट्स एक्स्ट्रा थी हमारे प्लांट में, तो अब इनकी जगह पे हमारे प्लांट में न्यू रूट्स निकलेंगी। तो अब हमें अपने प्लांट को दोबारा इसी गमले में लगाना है और इसी मिट्टी का हम यूज़ करेंगे। पर ये मिट्टी में मतलब इस मिट्टी में अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं रहे, तो हम इसमें मिलाएंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स ताकि जो हमारा प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके। अगर हम इसी मिट्टी में अपना प्लांट को दोबारा लगा देंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होगी और वो फ्लावर भी और फ्रूट्स भी इतने अच्छे नहीं देगा। तो हमने क्या करा है, 70% ले ली है अपनी पुरानी मिट्टी और 30% ले ली है गाय के गोबर की खाद यानी कि काउडंग कंपोस्ट, जो कि अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो रखी है। अगर आपके पास गाय के गोबर की खाद नहीं है तो आप इसमें वर्मिंग कंपोस्ट भी मिला सकते हो और आप इसमें लीफ कंपोस्ट भी मिला सकते हो। ये तीनों कंपोस्ट में से आप कोई भी एक चीज़ में मिला दो, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट हमारे प्लांट्स की रूट्स को जल्दी बढ़ाने में और उनको अच्छी रखने में हेल्प करता है। तो इसमें मैं ये एक मुट्ठी मिला रहा हूँ डाई अमोनियम फॉस्फेट। इससे क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी है उस जब हम इसमें अपना प्लांट लगाएंगे तो उसकी रूट्स काफ़ी जल्दी डेवलप होंगी और काफ़ी अच्छी डेवलप होंगी। अगर हम अपने प्लांट में ये नहीं डालेंगे तो जो हमारी रूट्स हैं वो डेवलप तो होंगी पर थोड़ा उनको टाइम लगेगा। और DAP डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डाल सकते। लेकिन आप अगर गार्डनिंग करते हो तो आपके पास DAP होना ज़रूरी है क्योंकि DAP काफ़ी हेल्प करता है हमारे प्लांट में। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये है लकड़ी की राख, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है पहले से ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर उसको वीडियो को देख सकते हो। तो लकड़ी की राख डालने का क्या फ़ायदा रहता है कि जो ये एक तो उसमें पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, और दूसरा हमारे प्लांट्स में फंगस नहीं लगती, हमारे प्लांट में कीड़े भी अटैक नहीं करते। तो इसको मैंने अपने प्लांट में डाल दिया है और मिट्टी भी भर दी है अच्छे तरीके से। तो अब ये देखिए, अब हमने इसमें मिट्टी तो भर दी और प्लांट को आपको ऐसी जगह मतलब बिल्कुल सेंटर चूज करके लगाना है। और अब डालते हैं हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके बिना प्लांट कभी भी ग्रो नहीं हो सकता, वो है पानी। तो पानी आपको एक बार जब आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दें अच्छे तरीके से, तो मतलब जब आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दें तो आपको उसमें एक बार अच्छे तरीके से वाटरिंग कर देनी है, यानी कि उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी मिट्टी गीली हो जानी चाहिए क्योंकि अभी हमारा प्लांट शॉक से गुजर रहा है। और ये है हमारा बोन मील भी आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं, पर आपको ये अभी नहीं डालनी, 15 से 20 दिन बाद आपको ये बोन मील डालनी है अपने प्लांट्स में, जब इसकी रूट्स काफ़ी डेवलप हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट्स पे फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी और फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। और एक चीज़ और, जब भी आप ये प्रोसेस करें तो शाम के वक्त इस प्रोसेस को करें, कभी भी सुबह सुबह इस प्रोसेस को ना करें, क्योंकि अगर आप सुबह सुबह इस प्रोसेस को करोगे तो फिर आपका प्लांट मर सकता है धूप में। तो शाम के वक्त आप इस प्रोसेस को करें। और इस प्रोसेस को करने के बाद आप अपने प्लांट को 10 से 15 दिन तक एक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में अपने प्लांट को रख दोगे तो आपका प्लांट मर भी सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं।